Hey guys, welcome to Commerce Paathshala, and as you can see, today we are going to discuss about a very important topic, which is about explain the utility of time series analysis with the help of an example. ठीक है, तो यहाँ दो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ए करेंगे, फिर क्वेश्चन बी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उससे पहले मैं कुछ चीजें बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे. और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, एग्जाम नोट्स और सॉल्व असाइनमेंट्स. जस्ट आपको कॉल करना है हमें 8101065300 नंबर पे. बीकॉम के नोट्स सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर पे अवेलेबल हैं. देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं. सिर्फ 10 रुपीज पर मंथ जो है उसका फी रखा गया है. 10 रुपए पर महीने के हिसाब से पे करके आप आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिल सकती हैं. आपको नोट्स 100 रुपीज में मिल जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ऑन डिमांड लेक्चर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है ना, तो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस. ठीक है ना, टाइम सीरीज एनालिसिस करने का क्या यूटिलिटी है और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. चलिए फिर. सो टाइम सीरीज एनालिसिस अगर हम इन जनरल समझना चाहें तो टाइम सीरीज नाम से पता चल रहा है कि ये एक सीरीज है जिसमें डिफरेंट टाइम्स को एक तरीके से रिकॉर्ड किया गया है. तो टाइम को तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है ना, तो टाइम सीरीज एनालिसिस में इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि डिफरेंट टाइम्स पे टेक प्लेस हुई है, उनको रिकॉर्ड करना. ठीक है ना, सीरीज वाइज रिकॉर्ड करना. और ये हम इसलिए करते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्यों किया जाता है. तो ये इसलिए किया जाता है ताकि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाए. जैसा हम लोग हिस्टोरिकल डेटा, आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में, हम लोग क्या करते थे, हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड जो है बहुत सारे कंपनी काम करती है कि आने वाले समय में उनका ट्रेंड कैसा होगा, डिमांड कैसी होगी, है ना, सप्लाई किस तरीके से मीटअप उनको करना है, वो सारी चीजें जो है उसके थ्रू पता चलती थी. तो टाइम सीरीज एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ सेम थिंग एंड इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स, या फिर पोर्शन आप बोल सकते हो, स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस एंड उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. नाउ time series analysis is a statistical technique used to analyze and model data that is collected over time. ठीक है ना, तो time series क्या होता है, एक analysis होता है जहाँ पे जो कि एक statistical technique है जहाँ पे हम analyze करते हैं model data, है ना, model analyze करते हैं या फिर जो model data होता है उसको collect किया जाता है over time. जैसे जैसे time बीतता है वैसे वैसे आप उसको collect करते हैं और उसके basis पे आप जो है analyze करते हैं जो भी आपके पास data है उसको. किस मेथड के थ्रू, टाइम सीरीज एनालिसिस मेथड के थ्रू, जो कि स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन है. ठीक है, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन डेटा दैट चेंज ओवर टाइम. ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है क्या समझने में, ट्रेंड्स को समझने में, पैटर्न्स को समझने में, जो रिलेशनशिप है डेटा का वो किस तरीके से समय के साथ बदल रहा है उसको समझने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है टाइम सीरीज एनालिसिस. वन एग्जाम्पल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज इन फोरकास्टिंग फ्यूचर, है ना, ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है टाइम सीरीज एनालिसिस का, कि इसके थ्रू हम फ्यूचर को फॉरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा जो आपके पास अवेलेबल है. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, अ रिटेल स्टोर माइट यूज सम टाइम सीरीज एनालिसिस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल्स बेस्ड ऑन सेल्स डेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर. एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है कि एक रिटेल स्टोर टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज करके ये पता कर सकता है कि आने वाले समय में उसकी सेल्स कितनी होगी विद द हेल्प ऑफ द लास्ट ईयर्स डेटा. पिछले साल अगर उसकी सेल 100 करोड़ की थी तो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस साल भी तकरीबन 100 करोड़ की सेल जो है उसकी होनी है. अगर थोड़ा और वो एफर्ट लगाएगा तो डेफिनेटली उससे ज्यादा हो सकती है, पर वो प्रिडिक्शन ये वो कैसे करेगा, वो टाइम सीरीज एनालिसिस का जो डेटा है उसके बेसिस पे वो करेगा. बाय एनालाइजिंग द सेल्स पैटर्न्स ओवर टाइम the store can identify seasonal trends, determine the impact of promotions and marketing, hai na, and marketing campaigns and future and forecast future sales, hai na. To yahan pe jo sales pattern hai usko analyze karke ek tarike se koi bhi store jo hai wo ye pata kar sakta hai जो सीजनल ट्रेंड है. जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि गर्मियों के मौसम में बिकती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ठंड के मौसम में बिकती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बरसात के मौसम में बिकती हैं, है ना. तो जो सीजनल ट्रेंड्स होता है
उनको फॉलो किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपने जब कोई एड चलाया अपने प्रोडक्ट का, तो उस एड का उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर पड़ा, वो बिका या नहीं बिका। जो आपने कैंपेन चलाया मार्केटिंग का, वो कैसा काम किया। आप फ्यूचर को फॉरकास्ट कर सकते हो, फ्यूचर सेल्स को फॉरकास्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्लान, शिफ्टिंग लेवल्स एंड एडजस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, है ना। तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है इन्वेंट्री को एक तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जा सकता है। देखो, इन्वेंट्री अगर खत्म हो जाती है ना, तो उसको रीस्टॉक टाइम पे करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपने कस्टमर्स को चीजें डिलीवर नहीं कर पाते, उसके कारण से कस्टमर डिसअपॉइंट होते हैं और वो आपके पास से किसी और जगह चले जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और टाइम सीरीज एनालिसिस इस चीज में काफी हेल्प करता है, ठीक है ना। स्टाफिंग लेवल्स को प्लान करने में, है ना, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है उनको प्लान करने में काफी ज्यादा हेल्प जो है टाइम सीरीज एनालिसिस करता है। अनदर एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी ऑफ द यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज इन डिटेक्टिंग एनामोलीज और अनयूजुअल इवेंट्स इन डेटा, ठीक है ना। तो एनामोलीज जो होता है वो एक तरीके से अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं डेटा में, जो कि नहीं होने चाहिए बट किसी कारण से वो हुए हैं, तो उनको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे एक डॉक्टर हमारी बीमारियों को डिटेक्ट करता है बाय डूइंग वेरियस टेस्ट्स, उसी तरीके से टाइम सीरीज एनालिसिस भी एक काइंड ऑफ टेस्ट है जो कि इन सारी चीजों के बारे में पता लगाता है, जो अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं, जो एबनॉर्मैलिटीज हैं, उनको पता करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी माइट यूज टाइम सीरीज एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न्स इन नेटवर्क ट्रैफिक दैट कुड इंडिकेट अ साइबर अटैक, ठीक है ना। तो साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है टाइम सीरीज एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकती है आइडेंटिफाई करने में जो अनयूजुअल ट्रैफिक्स आ रहे हैं आपके पास, जो नेटवर्क ट्रैफिक्स आ रहे हैं आपके पास, उसका इस्तेमाल किया, उसको पता किया जा सकता है। उसके बेसिस पे ये पता किया जा सकता है कि कोई आपके ऊपर साइबर अटैक तो नहीं हुआ है ना। सपोज आपका वेबसाइट है जिसमें 100 लोग जो है डेली बेसिस पे आते हैं, अचानक आपको पता चला कि 1 लाख 2 लाख आने लग गए, तो कैसे आने लग गए। हो सकता है कि आपके उसको अटैक किया गया हो, साइबर अटैक किया गया हो, कुछ उसमें दिक्कत आई हो। कभी कभी जो आपका वेब पेज है वो गायब हो जाता है, वेबसाइट बंद हो जाता है, आपके फेसबुक पेज को किसी ने हैक कर लिया, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इस तरह की जो एबनॉर्मैलिटीज होती हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उनको एनालाइज करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलता है विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। कैन आइडेंटिफाई नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, जो नॉर्मल पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फ्लैग एनी डेविएशंस, किसी भी तरह का अगर डेविएशन होगा, कोई किसी तरह का कोई अगर चेंज होगा अचानक से, तो उसको फ्लैग करना। फ्लैग करना मतलब उसको नजर में लाना कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना, फ्रॉम दोज पैटर्न्स एज पोटेंशियल थ्रेट्स, क्योंकि वो सारे चीजें जो है आगे जाकर के पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं। तो ये फ्लैग करने का काम, ये सारी की सारी चीजें जो है विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस पॉसिबल है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी डिड इट। दूसरा पॉइंट है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस विद एग्जांपल। वी आर गोइंग टू डू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।